दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि बर्थडे में लोग स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मैंने सोचा चलो ये बर्थडे में कुछ हटके करते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ स्वीट मैं स्माइल डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। हाँ दोस्तों, तो ये साल मैंने स्माइल डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा, और उन लोगों को जो बेचारे प्यार के मोहताज हैं, जो एक स्माइल के मोहताज हैं, और मैं निकल पड़ा चल मेरी यूना करके अपनी बाइक पे। दोस्तों मैंने गाड़ी निकालने से पहले गूगल किया और कुछ 35 किलोमीटर के आसपास रहल बा वृद्धाश्रम दिखाई दिया, बस निकल पड़ा। वहाँ पहुँचते दोपहर हो गई थी, सब आराम कर रहे थे, तो वहाँ के जो संचालक हैं मैं उनसे मिला, उनसे कुछ बातें शेयर की, उन्होंने कुछ अपनी बातें शेयर की। बहुत दुख हुआ जब मैंने ऐसा सुना कि वहाँ जो वृद्ध लोग हैं, जो उम्र लायक, जो दादा दादी पापा मम्मी जो भी हैं, उसमें कई लोगों को अपने बच्चे गेट तक रास्ते तक छोड़कर भाग जाते हैं। बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर। कई लोगों को कोई पूछने नहीं आते, वो उनका देहांत हो जाता है तो उनका अंतिम संस्कार भी ये खुद करते हैं, और आप नहीं मानोगे उनका इतना देखभाल किया जाता है कि उनके हेल्थ से लेके, उनकी खुशी से लेके, प्रो एक्टिविटीज लाइक भजन, फिर एक्सरसाइज, योगा, कुछ खेल, फिर वॉकिंग, बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं। उनका कहना ये है कि यहाँ जो भी इस आश्रम में आएगा वो अपने आयु से 10 साल ज़्यादा जीना चाहिए, और वो भी खुशी से। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं अपने आप को खुश नसीब समझने लगा कि मैं भी आज उस आश्रम का एक सेवक बना हूँ। दोस्तों इस वृद्धाश्रम में न रिलीजन होता है, न जात, ना ऊंच ना नीच, सब इकट्ठे रहते हैं। यही तो है देश हमारा। कहाँ है ये अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, कुछ नहीं, यहाँ पे सब मिलकर रहते हैं, सब एक दूसरे का केयर करते हैं। तो दिस इज द प्लेस वेर यूनिटी एग्जिस्ट, दैट्स अ ग्रेट थिंग टू सी। और वो संचालक का भी ये कहना है, अगर कोई मेंबर की डेथ हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार भी ये खुद करते हैं, और वो भी विधि के साथ। सो धन्य ये लोग, सैल्यूट टू देम। कोरोना की वजह से मैं मिल तो नहीं पाया, लेकिन बातें सुनकर संतुष्ट हुआ। काफ़ी जगह है, झूला है, खाने के लिए अलग अलग जगह है, राइट, उनका केयर किया जाता है, उनके लिए जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। तो ये जो भी संचालक, जो भी सेवक जो है, उन लोगों को मिलकर बहुत ही आनंद हुआ। दोस्तों अगर हम कुछ दे पाए ना पाए, अगर हम कुछ डोनेट कर ना पाए, लेकिन आपका जो स्माइल है उनके मोहताज है वो। आप अगर वहाँ जाके प्रेजेंट भी होते हैं, आपके स्माइल फेस देखकर वो आनंदित हो जाते हैं। हाँ यही चाहिए उन्हें, है खुशी, प्यार, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। तो प्लीज़ ये चीज़ को बांटो। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि साल में ऐसे जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उसे और मेमोरेबल बनाने के लिए ऐसी जगह जाके विजिट कीजिए, सो दैट आपका लाइफ और बेहतरीन हो जाए। है अर्ज किया है, जिंदगी मेरी यूं ही खूबसूरत थी, जिंदगी मेरी यूं ही खूबसूरत थी, सोचा एक कदम और पास जाऊं, और जाके देखा तो वो और हसीन हो गई। हाँ दोस्तों, जिंदगी और हसीन हो गई। सो दोस्तों आई होप यू गॉट दिस मैसेज। प्लीज विजिट दिस प्लेसेस, ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम, आप लोगों के प्यार के मोहताज ये लोग, राइट। इसके लिए कोई एड्रेस की ज़रूरत नहीं, कोई डोनेशन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके एक विजिट की ज़रूरत है। गूगल कीजिए, आपके घर के आसपास कभी भी कोई भी, आप कभी भी कोई सक्सेस हो, आपका खुशी का दिन हो, आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, जस्ट
टू आवर्स वन आवर अगर आप दे सकें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आई होप यू गॉट दिस मैसेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करो सो दैट ये मैसेज बहुत लोगों को पहुँचे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।